उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करें। अल्लाह हर किसी को खुशियाँ नसीब करें। अल्लाह हर बच्चे को नेक तौफिक नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में कुनाफे की रेसिपी लेके आए हैं। चीज़ कुनाफा रेसिपी है ये, क्रीमी चीज़ कुनाफा बोलते हैं इसको। इसके लिए मैं सेवियाँ ले ली, खरीब की शॉप पे कहीं भी ऐसे सेवियाँ मिल जाएंगे। नॉर्मल सेवी है ये, देख सकते हैं सेवियाँ, ऐसे सेवियाँ हैं ये। 2 से 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है ये, कॉर्नफ्लोर का पाउडर। 4 टीस्पून शक्कर है ये। 1 कप चीज़ है ये। आप नॉर्मल कौन सी भी चीज़ ले सकते, क्रीमी चीज़ भी ले सकते, मोज़ेला चीज़ भी ले सकते। मैं मोज़ेला चीज़ ली, आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ अवेलेबल है आपके लिए वो चीज़ ले सकते हैं आप। बटर है ये 1 कप, दूध है 1 कप, 1 कप पानी है ये। ये सिरप के लिए पानी रखी मैं, शक्कर सिरप के लिए रखी। इस क्रीम बनाएंगे अपन, दूध से क्रीम बनाएंगे। और ये चीज़ है, बनाना स्टार्ट करेंगे अब। देख सकते हैं एक पैन रख ली मैं, अपन इसका क्रीम बना लेंगे पहले। 1 कप दूध डाल देंगे अपन, दूध ऐड कर देंगे। चूल्हा मीडियम आंच पे रखी मैं इसको। दूध डाल दी, दूध में अपन ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसमें। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है ये। पहले कॉर्नफ्लोर और दूध को अच्छा घोल लेंगे ताकि लम्स जरे भी नहीं रहे वैसा। जरे भी लम्स नहीं रहना, नहीं तो पूरा क्रीम अपना खराब हो जाता। शक्कर ऐड कर दे रही मैं इसमें, 4 टीस्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं, कोई मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते। जो अच्छी तरह से इसको पका लेंगे अपन, अच्छा गाढ़ा कर लेंगे इसको। ज़रे भी लम्स नहीं रहना इसमें, शक्कर भी अपनी पूरी पिघल जाना, कॉर्नफ्लोर भी अच्छा पूरा। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया, ऐसी ही चाहिए अपने को, इतना ही गाढ़ा पना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना है। अब इसमें अपन चीज़ ऐड कर लेंगे। 1/2 कप चीज़ डाल दे रही मैं इसमें, फिर ऊपर से 1/2 कप डालूंगी मैं। चीज़ को पूरा अच्छा पिघला लेंगे इसमें। वनीला एसेंस डाल रही मैं इसमें, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स डाल रही मैं इसमें वनीला एसेंस, ताकि वनीला एसेंस से खुशबू अच्छी रहती बहुत। चलिए अपना चीज़ी क्रीम बन के रेडी है, देख सकते हैं कितना अच्छा चीज़ी क्रीम बना, देखिए कितना अच्छा बना अपना क्रीमी चीज़। चलिए अब ये साइड में रख लेंगे अपन, शुगर सिरप बना लेंगे नेक्स्ट अपन। चलिए एक पैन रख ली मैं, उसमें पानी ऐड कर देंगे। 1/2 कप है पानी है शुगर सिरप के लिए। गैस ऑन कर दी मैं, पानी ऐड कर दी, शुगर ऐड कर देंगे अपन। चलिए 1 कप शक्कर ऐड कर रही मैं इसमें, इसमें भी थोड़ा सा का वनीला एसेंस ऐड करेंगे अपन। वनीला एसेंस से खुशबू बहुत अच्छी आती। शुगर सिरप को अच्छा पका लेंगे अब। चलिए शुगर सिरप को अच्छा पका लेंगे। शुगर सिरप अपना बन के रेडी हुए तक अपन सेवियों को बटर वे लगा लेंगे। चलिए अपने ये सेवियाँ पैकेट में से निकाल लेंगे अपन पूरे सेवियाँ। पूरे सेवियों को अच्छा ऐसा कर लेंगे, पूरे बारीक बारीक कर लेंगे सेवियों को। आप कौन से भी सेवियाँ ले सकते हैं।
चलिए इसमें बटर ऐड कर देंगे। चलिए अपन बटर ऐड कर दे रही हूँ इसमें मैं, मेल्टेड बटर है ये। ये कलर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा का कलर है, कलरफुल कुनाफा बन के रेडी होता है। आप मिक्स कर लेंगे अपन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से, मिक्स करके बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट। चलिए शुगर सिरप भी बन के रेडी है अपना, देख सकते हैं अच्छी तरह से बन गया शुगर सिरप, ऐसे ही चाहिए अपने को। बस अब गैस ऑफ कर देती मैं, अब नेक्स्ट अपन कुनाफा बनाने की बताऊंगी। चलिए अपना शुगर सिरप भी बन के रेडी हो गया। ये अपन सेवियों में बटर और कलर दोनों मिक्स कर लिए, अच्छा मिक्स कर लेके रख लिए एक साइड में। अब नेक्स्ट अपन एक फ्राई पैन ले रही हूँ मैं, आप कौन सा भी नॉर्मल जो भी आपका नहीं है अवेलेबल वो फ्राई पैन लीजिए। आप चाहे तो ओवन में भी बना सकते हैं, मैं आज फ्राई पैन में बना के बताऊंगी आपको। ये सेमियां हैं, चलिए बटर है ये, मैं बटर ब्रश कर रही हूँ मैं पूरा ये अच्छी तरह से चारों तरफ से, ताकि अपना कुनाफा चिपके नहीं अच्छी तरह से। हो गया, नेक्स्ट अपन ये सेवियां ऐड कर देंगे इसमें। ऐसा पूरा चारों तरफ से पूरे सेवियां, और ज्यादा बहुत सेवियां नहीं डालना हो, नहीं तो मोटी लहर बनती है अपनी, जरा पतला लगाना अपन ये, ज्यादा मोटा नहीं लगाना, नहीं तो सेवियां सेवियां बहुत हो जाते। मैं एक प्याली की मदद से ऐसा कर ले रही हूँ पूरे सेवियों को अच्छी तरह से। आप चाहे तो ओवन में भी बना सकते, मैं वो बहुत जने कने ओवन नहीं रहता बल्कि इस वास्ते फ्राई पैन में बना के बता रही मैं। अच्छा राउंड राउंड पूरा अच्छा ऐसा कर लेंगे अपन सेवियां, बहुत पतली लहर लगाई मैं, ज्यादा सेवियां नहीं लगाई। ये क्रीम डाल रही हूँ, अच्छा राउंड राउंड पूरा क्रीम डाल देंगे अपन की चीजी क्रीम है ये बनाए सो। पूरा अच्छा राउंड राउंड फैला लेंगे अपन इसको। हर बच्चे को चीज बहुत पसंद आता, जितना अच्छा चीज़ रहेगा उतना अच्छा बन के रेडी होता है ये, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये कुनाफे की रेसिपी। थोड़ा ऊपर से भी चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ चलिए अपन क्रीम भी ऐड कर दिए, चीज भी ऐड कर दिए, फिर से अपन ये सेवियां जो रखे हुए हैं अपने पास वो अवेलेबल, ये सेवियों को इसमें ऐड कर देंगे अपन राउंड 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 करके। ना अच्छा बनके, सऊदी अरेबिया डिश है ये, सऊदी में आप अक्सर खाएंगे ये डिश, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी ये डिश आपके, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी को मेरी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जो अभी तक नहीं किए प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को, इससे आपका तो कुछ नहीं होता मगर मेरा तो फ़ायदा है। अपन ऐसा अच्छा चिपका देंगे इसको, और ज्यादा सेवियां नहीं डालना नहीं तो सेवियां सेवियां हो जाते हैं। कितना अच्छा राउंड हुआ देखिए आप, अच्छा ऐसा चिपका देंगे अपन सेवियों को।
चलिए गैस ऑन कर दी मैं, कुनाफे का फ्राई पैन रख ली मैं, इस पे ढक्कन लगा दी अपन तकरीबन 5 मिनट्स तक मीडियम आंच पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट्स तक इसको मीडियम आंच पे रखेंगे अपन, ताकि नीचे से अच्छी तरह से पक गए और सेवियाँ भी अपनी अच्छी तरह से गल गए जैसा, इसके बाद बताऊंगी फिर मैं आपको। चलिए 10 से 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैं ढक्कन निकाल रही हूँ इसका। अपन इसको एक प्लेट ले लेंगे ऐसे नॉर्मल, कौन सी भी आपका नहीं अवेलेबल वो जो प्लेट है वो ले लीजिए आप। इसको ऐसा इसमें पलटा लेंगे अपन, ऐसा ज़ोर से पलटाना अच्छी तरह से, देख सकते हैं कि अच्छी तरह से निकल गया। अब फिर इसको अपन नीचे बटर डालेंगे, बटर ऐड करी मैं फिर से इसमें अच्छी तरह से, चारों तरह से बटर डाल देंगे। फिर अपन ये सेवियां अपने निकाले सो इसमें पलटा लेंगे अपन, वाओ कितनी आसानी से निकला, देखिए आप जरा भी टूटा नहीं, ऐसे ही चाहिए अपने को, ऐसे ही शेप चाहिए। मीडियम आंच पे फिर 5 से 10 मिनट्स तक रख देंगे इसको, इसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी फिर मैं। चलिए अपने 5 से 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से बन गया, देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया, रेडी हो गया अपना चीज़ी कुनाफा। अब इसमें ये प्लेट में रख दे रही हूँ मैं, पलटा लेंगे अपन इसको। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है अपना कुनाफा। अब ये पिस्ते का पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, पिस्ते का पाउडर है ये, आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा शेप बना सकते हैं आप। ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया अपना कुनाफा, वाव चीज़ी चीज़ी कुनाफा है ये, पिस्ते का पाउडर है ये, अपन शुगर सिरप ऐड करेंगे इसमें। ओहो वाओ सो यम्मी वंडरफुल बन के रेडी हुआ अपना ये, एक पीस कट करके बताऊंगी आपको। ओहो कितना अच्छा बनके, कितना क्रीमी, कितना चीज़ी बनके रेडी हुआ, देख सकते हैं अपना कुनाफा बनके रेडी है। प्लीज़ आप ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर घर में ट्राई करिए, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। शब्बा खैर, दुआओं में याद रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप, जो कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो नए करें प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए अल्लाह हाफिज़।